अभी अंड उपकरण के बारे में देखते हैं क्या होता है। अंड उपकरण में कितने हिस्से होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग फ्लावर से बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर पुंकेसर, पुंकेसर के अंदर, फिर परागकोष, परागकण, उसके अंदर परागकण में कितना हिस्सा होता है, किधर न्यूक्लियस की होती है, किधर क्या होता है, सब चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लिए। उसके बाद आते हैं स्त्री केसर में। स्त्री केसर के तीनों पार्ट को डिराइव कर लिए। सबसे मुख्य पार्ट होता है नीचे वाला हिस्सा, ओवरी। ओवरी के बारे में हम लोग देख लिए और ओवरी के बाद देख लें बीजांड को देख लिए, बीजांड क्या होता है। उसके बाद भ्रूण को देख लिए, बीजांड के बाद हो जाता है भ्रूण। भ्रूणकोष को हम लोग पढ़ लिए। भ्रूणकोष के अंदर जाने के बाद हमको क्या मिलता है, एक अंडा मिलता है। अंडा के अंदर जाके देखते हैं क्या है, मतलब डीपली से हम ऊपर से नीचे की तरफ आराम से स्लोली स्लोली जा रहे हैं, नहीं घबराना है, नहीं कुछ करना है, नॉर्मली ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में आप सब कुछ समझ जाइएगा। तो हम लोग अंड उपकरण के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो अंड उपकरण के किससे हिस्से होते हैं हम लोग, अंड उपकरण यह भ्रूणकोष का बीजांड द्वार की तरफ होता है। अंड उपकरण क्या होता है, बीजांड द्वार की तरफ होता है। इसमें तीन कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है, इसमें तीन कोशिकाओं का समूह होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम बना कर दिखा लेते हैं। तीन कोशिकाओं का समूह होता है और इसमें अंड कोशिकाएं और दो सहायक कोशिकाएं होती है। एक अंड कोशिकाएं होती हैं और दो क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं, इसको समझते हैं क्या है। जैसे एक फिगर बना लिए हैं इस तरीका से, ये मान लीजिए हमारा अंडा हो गया, मतलब फ्लावर्स का अंडा हो गया। इस तरीका से, और इसके बाद वाला हिस्सा इस तरीका से, इस हिस्सा को हम देख लिए। अब यहां सबसे ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है इसका नाम है परमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी, जिसको हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। और ये जो होता है ध्रुव, ये होता है ध्रुव केंद्र। जिसे हम कहते हैं ध्रुव केंद्र। जैसे अब यहाँ पे हम अगला एग्जाम्पल को यहाँ पे बनाते हैं। बीच में है इस तरीका से दो अंडा के टाइप का है और ये इस तरीका से। अभी सबका क्या का काम है उसको हम एक एक करके ड्राइव करेंगे। अब हम इसे कहते हैं ध्रुवीय ध्रुव केंद्रिका, और ये जो होता है सहायक कोशिका। जिसको हम कहते हैं सहायक कोशिका, और ये जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये इसी को हम कहते हैं अंडा, अंडा। अब यहां तक इस फिगर को अंडा के बारे में समझने के लिए इस फिगर को हम समझ गए। सबसे ऊपर का जो अंड उपकरण होते हैं बहुत सारे कोशिकाओं के बनी होती है। इसमें तीन समूह का कोशिकाएं होती हैं। एक समूह ऊपर हो गया, एक समूह नीचे हो गया समूह कोशिकाएं, और एक बीच वाला कोशिकाएं हो गया जिसको ध्रुव केंद्रिका कहते हैं। और ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इस हिस्सा को हम कहते हैं केंद्रिका कोशिका।
जिसे हम कहते हैं केंद्रिका कोशिका, जो कि ये केंद्र में रहता है ये कोशिका। और हम अब ये अंड उपकरण को समझ गए और एक एक टॉपिक को यहाँ से जो दिखाई दे रहा है उस चीज को जानते हैं। प्रतिमुखी कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतिमुखी कोशिका जो होता है ये इसके सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो निभाग के तरफ होता है। इसकी साइज, ये तीन होती हैं कोशिकाएं, इसकी साइज आकार अलग अलग होती हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम और लिपिड पाई जाती हैं। जैसे कि इसे हम फिर से बता देते हैं, प्रतिमुखी कोशिका सबसे ऊपर वाले इसमें कोशिकाएं होती हैं, इसकी संख्या तीन होती है। ये निभाग के तरफ की कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं होती हैं। और ये आकार में और साइज में अलग अलग होती हैं, एक साइज के नहीं होती हैं। इनका इसमें बहुत सारा एंजाइम भी होता है, बहुत सारा लिपिड्स भी पाया जाता है जो कि इसके लिए फायदेमंद होता है। इसे एक तरह से कायिक कह सकते हैं। जैसे कि कोई कोशिका के अंदर ये है, ये कोशिका, लेकिन ये जो लिपिड रहता है इसी को द्रव्य कहते हैं, इसे कायिक कह सकते हैं। वैसे ही ये जो प्रतिमुखी कोशिका जो दिखाई दे रहा है, तो ये प्रतिमुखी कोशिका कायिक भी कहा जा सकता है। ये अपन कुछ देर के, ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है, ये कुछ देर के बाद अपने आप को नष्ट कर लेता है। यही हो गया हमारा प्रतिमुखी कोशिका। आई होप कि प्रतिमुखी कोशिका समझ में आया होगा। प्रतिमुखी कोशिका सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसकी संख्या तीन होती है। ये आकार और साइज में छोटा बड़ा मतलब अलग अलग रहते हैं, एक साइज के कोई नहीं रहते हैं। ये इसमें लिपिड्स और एंजाइम बहुत ज्यादा होता है और ये सक्रिय होता है और ये अपने आप को नष्ट कर देता है, उसी को हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। आई होप कि अब फिर से समझ में आ गया होगा, दो बार तीन बार समझा दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब यहाँ पे देखते हैं ध्रुव कोशिका। ध्रुव कोशिका यहाँ पे जो छोटे मोटे कोशिकाएं होती हैं, ये लिक्विड टाइप का, इसे हम कहते हैं ध्रुव कोशिका। अब यहाँ पे हम लोग का जो अंडा होता है, मुख्य जो अंडा होता है यहाँ पर होता है, जिसको ये अंड कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो बीच वाला कोशिका दिखाई दे रहे हैं, बीच वाला कोशिका को हम कहते हैं केंद्रिका कोशिका। जो बीच में है उसे केंद्र कहेंगे, तो इसे हम केंद्रिका कोशिका कह देंगे। और यहाँ पे जो कोशिका होते हैं, तो ये ध्रुव के अंदर मतलब बीच में नहीं है, इसे केंद्र में ही है लेकिन साइड में है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ध्रुव केंद्रिका। और ये जो सबसे मुख्य में है ये केंद्रिका कोशिका होता है। तो केंद्रिका कोशिका आकार में सब कोशिकाओं से बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए एकदम छोटा सा ये सब कोशिकाएं हैं, इसके तुलना में ये जो केंद्रिका कोशिका होती हैं आकार में बहुत ज्यादा बड़े होती हैं। इस सब के तुलना में सबसे बड़ा होता है केंद्रिका कोशिका। इसमें दो कोशिकाएं होती है जिसे हम केंद्रिका कोशिका कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे गोल्जी बॉडी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी मतलब क्या होता है, मतलब वाटर को मेंटेन करके रखने को ही हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। मतलब इसके अंदर गोल्जी बॉडी बहुत सारे पाए जाते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। और ये जो कोशिकाएं होती है इनकी संख्या भी चार होती है। ये क्या करती है, सहायता करती है अंडा को परिवर्तन करने में सहायता करती है, जिसको हम सहायक कोशिका कहते हैं। ये क्या करता है, इसके अंदर सिर्फ सहायता करने का काम करता है। अंडा के बारे में समझ लिए। अब यहाँ पे देखते हैं तंतुरूपी समुच्चय। जो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये दोनों साइड में होता है। जैसे कि एक गोल ये मिल गया और इसके अंदर ये सहायक हो गया, ये अंडा हो गया, ये केंद्रिका कोशिका हो गया, ये ध्रुव कोशिका हो गया, ऊपर वाला प्रतिमुखी कोशिका हो गया। वैसे ही ये जो नीचे वाला इस तरीका से कोशिका दिया हुआ है, इसी को कहते हैं तंतुरूपी समुच्चय। इसको हम क्या कहते हैं, तंतुरूपी समुच्चय। आई होप कि आप सबको ये अंड उपकरण समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर फिर और डीपली जाके देखते हैं क्या है, उसमें क्या पढ़ना है। तो आई होप इस सबको समझ में आया हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।